मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। इससे पहले दो वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली, ब्लेस दी बॉटम ब्लेस दी दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड हु सेड, ये किसने कहा? क्वींस ने कहा था। Love, therefore, and tongue-tied simplicity, the least speak most my capacity. बहुत प्यारी लाइन है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान बनाए रखना। पहला क्या गया, लव therefore, and tongue-tied simplicity. इसलिए प्रेम और सरल भाषा में बात करना ही मेरी क्षमता है। किसमें? प्रेम और सरल भाषा में, लव और सिंप्लिसिटी में बात करना ही मेरी क्या है, क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है। और कम से कम बोलना ही मेरी क्षमता है। और मैं जितना पॉसिबल हो सकता हूँ मैं लीस्ट स्पीक करता हूँ, जितना हमसे संभव हो सकता है उतना मैं कम बोलने का प्रयास करता हूँ। डेट इज माई कैपेसिटी, यही मेरी क्षमता है। कौन कहता है? थियसिस कहता है। अगला नेक्स्ट कौन सा है हमारा, कि ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस। बहुत गहरी बात कह दी है, ही थिंक्स टू मच सच मैन आर डेंजरस। जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। हु स्पीक एंड टू होम, सीजर कहता है, किससे कहता है? एंटनी से कहता है। वह बहुत ज़्यादा सोचता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन है, लेट अस बी अ सेक्रीफाइसर। हमको क्या बनना चाहिए? सेक्रीफाइसर बनना चाहिए, बलिदानकर्ता बनना चाहिए। हमें अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन क्या नहीं बनना चाहिए? बट नॉट बुचर्स, लेकिन हमें कभी भी कसाई नहीं बनना चाहिए, बुचर्स नहीं बनना चाहिए। हमें दूसरों की जान नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। कीज कहता है, हु इज द स्पीकर, तो इसका स्पीकर कौन है? ब्रूटस है। और ब्रूटस कहता है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट हमारा, कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स बिफोर दे आर डेथ बट मैलेंट बैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जो कॉवर्ड्स लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन जो वीर लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, मृत्यु का स्वाद केवल एक बार ही चखते हैं। ऐसा कौन कहता है? तो सीजर कहता है। अगला देखिए हमारा, सीजर शुड बी अ बेस्ट विदाउट अ हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टूडे फॉर फियर हु अटर दीज वर्ड्स। तो कौन कहता है? सीजर कहता है। क्या कहता है इन लाइनों में, कि सीजर को तो आज डर के मारे घर पर ही रहना चाहिए, तो वह हृदयहीन हो जाएगा। कौन कहता है? सीजर कहता है। यानी कि सीजर शुड बी अ बेस्ट, वो बेस्ट है विदाउट अ हार्ट इफ ही शुड स्टे, इफ यदि ही मीन्स उसे शुड चाहिए स्टे ठहरना चाहिए एट होम घर पर टूडे आज फॉर फियर डर के मारे। तो ये ऐसे शब्द कौन कहता है? सीजर कहता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा लाइन है, आई हैव अ मैंस माइंड बट अ वोमैंस माइंड हु सेज। यहाँ पर ब्रूटस की वाइफ जो पोर्सिया होती है वो कहती है, क्या कहती है? मेरे पास एक पुरुष का दिमाग है लेकिन एक महिला की ताकत है। आई हैव अ मैंस माइंड का मतलब मेरे पास एक पुरुष का दिमाग है, बट लेकिन अ वोमैंस माइंड, लेकिन महिला की एक शक्ति है, महिला की एक ताकत है। तो ये ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया कहती है, ठीक है। अगला, मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पोर्सिया नाम की एक कैरेक्टर है, ध्यान बनाए रखना। ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटस बीस्ट। ब्रूटस बीस्ट कौन होते हैं? जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, एकदम जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, उनके लिए बोला जाता है। एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजंस, और जो आदमी है उसने अपने सभी रीजंस को खो दिया है, मतलब उसने अपने विवेक को खो दिया है। और जो न्याय है ना, वो क्रूर लोगों के पास चला गया है, यानी कि उनके हाथों की कठपुतली बन गया है। तो कौन कहता है? एंटोनी कहता है। किस में? जूलियस सीजर में कहता है। नेक्स्ट है हमारा, फेयर इज फाउल फाउल इज फेयर वेयर डज इट अपीयर, ये कहाँ आता है? मैकबेथ में। फेयर इज फाउल का मतलब होता है अच्छा बुरा है, और बुरा अच्छा है, फाउल इज फेयर। तो ये लाइनें कौन बोलता है? बिचिच के द्वारा बोली जाती हैं। कौन से? मैकबेथ में। कौन से प्ले में? हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट लेडी मैकबेथ स्पीक दीज वर्ड्स हु इज ही हेयर डंकन। तो यहाँ पे जो ही प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज किया गया? तो
किंग डंकन के लिए यूज किया गया है। इसमें एक्चुअली बोलती क्या है लेडी मैकबेथ, ये कहती हैं कि अगर वह सोते समय मेरे पिता जैसा नहीं दिखते तो यह सब मैंने किया होता, यानी कि मैं उनको मारने के लिए उनके पास गई, लेकिन जब मैंने उनको सोते हुए देखा तो बिल्कुल वो मेरे पिता के समान दिख रहे थे, इसलिए मैं उनको नहीं मार सकी। तो लेडी मैकबेथ इन शब्दों को कहती हैं और यहाँ पर किसके लिए बोलती हैं, तो ये डंकन के लिए बोलती हैं। यहाँ पे जो ही यूज किया गया वो भी किसके लिए यूज किया गया है, डंकन के लिए यूज किया गया है। अगला, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ इज डेड, हाउ इज ही इज इट देन हु इज द स्पीकर, तो इसको भी कौन कहता है, लेडी मैकबेथ कहती हैं। अ लिटिल वाटर है ना, इस वर्ग को थोड़ा सा पानी साफ कर देता, ठीक है, ये कितना आसान होता। अगला, ओ जेंटल लेडी, ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई कैन स्पीक द रिसेप्शन, इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल हु स्पीक, ये कौन कहता है, मैकडफ कहता है। हे जेंटल लेडी, जेंटल लेडी, जो मैं बोल सकता हूँ उसे सुनना तुम्हारा काम नहीं है। एक महिला के कान में बार बार कहना जैसे ही वह गिरता है हत्या कर देता है, कौन बोलता है, मैकडफ कहता है। कौन कहता है, मैकडफ। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफ्टी दस हु अटर्ड, ये कौन कहता है, मैकबेथ कहता है। ऐसा होना और कुछ नहीं, बस सुरक्षित रूप से ऐसा होना है, कौन कहता है, मैकबेथ कहता है। अगला है, माइन इटर्नल ज्वेल्स गिवन टू अ कॉमन एनिमी ऑफ मैन हु इज द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है, तो मैकबेथ कहता है इनको। कौन कहता है, माय इटर्नल ज्वेल, रत्न मनुष्य के सामान्य शत्रु को दिया गया है, यानी कि जो रत्न है वो मनुष्य के सामान्य शत्रु को भी दिया गया है, कौन कहता है, मैकबेथ कहता है। गिव इन टू द कॉमन मैन ऑफ मैन, ठीक है, कॉमन एनिमी ऑफ मैन, ओके। अगला थिंग्स, नेक्स्ट कौन सा है हमारा स्टेटमेंट, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट्स इज डन इज डन, ये जरूर याद बनाए रखना, व्हाट्स डन इज डन हु सेड, कौन कहता है, मैकबेथ कहता है, जो हो गया सो हो गया। यानी कि थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी, जिन चीज़ों का कोई उपाय नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, उन्हें बिना ध्यान दिए छोड़ देना चाहिए, शुड बी विदाउट रिगार्ड, बिना ध्यान दिए हुए छोड़ देना चाहिए, व्हाट्स डन इज डन, जो हो गया सो हो गया, ये किसने कहा, मैकबेथ ने कहा दोस्तों। एंड यू ऑल नो, एंड मीन्स और यू ऑल नो, तुम सभी जानते हो, सिक्योरिटी इज मोर्टल चीफेस्ट एनिमी, जो सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है, वो मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, कौन कहता है, हेकेट कहता है। और ये हेकेट कौन है, वो जो थ्री बिचेस दिखाई जाती हैं मैकबेथ में, उनकी मेन जो होती है यानी कि रानी होती है, वो हेकेट होती है। अगला है हमारा, फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव हु सेज, ये कौन कहता है, मैकडफ कहता है इन मैकबेथ में, कौन कहता है, शासन करने योग्य नहीं, जीने के योग्य नहीं, जो शासन करने के योग्य नहीं है वो जीने के योग्य भी नहीं है, बहुत प्यारी लाइन है, कौन कहता है, मैकडफ इन मैकबेथ में, फिट टू गवर्न नो नॉट टू लिव, ध्यान बनाए रखना क्या कहा गया है, छोटी सी लाइनें जरूर हैं लेकिन मीनिंग बहुत प्यारा सा है, जो शासन करने योग्य नहीं है वो जीने के योग्य भी इस दुनिया में नहीं है, किसने कहा, मैकबेथ में, किसने कहा, मैकडफ ने कहा था। अगला है हमारा, नेक्स्ट, मैकबेथ इज राइप फॉर सेकिंग हु सेज, मैकबेथ सेकिंग करने के लिए तैयार है, तो कौन कहता है, मैलकम कहता है। अगला, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे, रात बहुत लंबी होती है जो कभी दिन नहीं निकलता, कभी कभी कोई रात इतनी लंबी हो जाती है कि हम उजाला देख ही नहीं पाते, हु अटर्ड, कौन कहता है, मैलकम कहता है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश बिट, मंद बुद्धि से बेहतर है एक बुद्धिमान मूर्ख, कौन बोलता है ये बात, कौन कहता है, तो फिस्टे कहता है। अगली लाइन है, हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिविया'स मैट डेट, ओलिविया वुड मॉन द लॉस ऑफ हर डियर ब्रदर फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years एंड ड्यूरिंग दैट टाइम नोबडी वुड बी एबल टू सी हर फेस, कौन होता है, वैलेंटाइन होता है। ये लाइनें बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको हिंदी में भी बता देता हूँ। ओलिविया की नौकरानी से यह संदेश कौन लेकर आता है कि ओलिविया अपने प्रिय भाई की मृत्यु पर 7 वर्षों तक शोक मनाएगी और इस दौरान कोई भी उसका चेहरा
नहीं देख सकेगा तो कौन होता है? वो वैलेंटाइन होता है। तो वैलेंटाइन जो है ये मैसेज लेकर आता है, ये संदेश लेकर आता है, और किससे लेकर आता है? ओलिविया के मैड से, ध्यान बनाए रखना, ओलिविया की नौकरानी से ये संदेश लेकर के आता है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि ओलिविया की नौकरानी से ये संदेश लेकर कौन आता है? तो वैलेंटाइन लेकर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग हु सेज, ये कौन कहता है? जूलियट कहती है इन रोमियो एंड जूलियट में, मुझे तुम्हें बहुत प्यार से मारना चाहिए। आई शुड किल दी, मुझे तुमको बड़े प्यार से मारना चाहिए, विद मच चेरिशिंग, ठीक है? तो ये जूलियट कहती है, किसमें कहती है? रोमियो एंड जूलियट में। अगला है, हु इज डेड कैन टेल मी हु आई एम, कौन है जो मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ? ये किसने कहा? किंग लियर ने कहा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, द यंगर राइजेज वेन द ओल्ड दूत फॉल, जो यंगर होते हैं, जब युवा उठता है तो बूढ़ा गिर जाता है, ठीक है? ये कौन कहता है? एडमंड कहता है। और नेक्स्ट है एज, और प्यारी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है, एज फ्लाइज टू बॉन्टन बॉयज। बॉन्टन बॉयज़ कौन से होते हैं? उन लड़कों के लिए कहा जाता है जो आवारा होते हैं, यानी कि एज फ्लाइज टू बॉन्टन बॉयज आर बी टू द गॉड्स। जिस तरीके से आवारा लड़कों के लिए मक्खियाँ होती हैं, उसी तरीके से भगवान के लिए हम, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट्स, वो हमें अपने खेलों के लिए मारते हैं, मज़े के लिए मार देते हैं, मनोरंजन के लिए, है ना? कौन कहता है? किंग लियर कहता है, सॉरी माफ़ करना, ग्लाउसेस्टर कहता है, किस में कहता है? किंग लियर में। कौन कहता है? ग्लाउसेस्टर। अगला क्या है हमारा, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड द बॉस्ट हु अटर्स, तो कॉर्डेलिया कहती है कि हम पहले नहीं हैं जिन्होंने सबसे अच्छे अर्थ के साथ सबसे बुरा परिणाम भुगता है, हम कोई ऐसे ये पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने कुछ अच्छा करके जो है बुरा परिणाम भुगता है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बुरा होता है। अगला कॉर्डेलिया कहती है, नेक्स्ट, द नोबल फॉर्चून्स नो दिस डेट मैन आर एज द टाइम इज टू बी टेंडर माइंडेड डज नॉट बिकम अ सॉर्ड हु अटर्स, ये कौन कहता है? एडमंड कहता है। महान भाग्य के लिए ये जान लो कि मनुष्य समय के अनुसार होते हैं, ठीक है? कोमल मन होना चाहिए आपकी तलवार नहीं, तलवार खींच करके या तलवार के सहारे कोई कोमल या कोई महान नहीं बनता, बल्कि उसका दिल, उसका हृदय कोमल होना चाहिए। डू यू सी दिस, लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर, कौन कहता है ये बात? एक किंग लियर कहता है। कौन कहता है? किंग लियर कहता है, क्या तुम ये देख रहे हो? उसे देखो, उसके होंठ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, ऐसे करके चीखते हुए बोलता है कौन? किंग लियर कहता है। नेक्स्ट अगला है, अ मिड समर नाइट ड्रीम वाज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नाइट ऑफ मिड समर डे जून 24, इट इज, ये कौन सा दिन था? सेंट जॉन्स डे था। मिड समर नाइट ड्रीम का जो परफॉर्मेंस हुआ था वो 24 जून को मिड समर डे की रात को किया जाना था, तो वो कौन सा दिन था? सेंट जॉन्स डे, ठीक है? ध्यान बनाए रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम थीसिस एंड हिप्पोलिटा, वो कहते हैं किस पेयर ने, मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स, यानी कि किस जोड़े का विवाह अ मिडसमर नाइट ड्रीम की कहानी के आधार पर होता है? तो थीसिस और हिप्पोलिटा का। अगला नेक्स्ट हमारी कोटेशन है कि हु इज द किंग ऑफ फेरीज इन मिड समर नाइट ड्रीम। मिड समर नाइट ड्रीम में किंग ऑफ फेरीज कौन दिखाया जाता है? ओबेरान दिखाया जाता है। कौन? ओबेरान। अगला मस्टर्ड सीड इन मिड समर नाइट ड्रीम इज ऑफ, वो कौन दिखाई जाती है? एक फेरी दिखाई जाती है। नेक्स्ट लाइन देखो, डू यू सी दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर, लुक देयर, मतलब क्या तुम ये देख रहे हो? उसे देखो, उसके होंठ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, कौन कहता है? किंग लियर कहता है। और नेक्स्ट क्या है हमारी, अ मिडसमर नाइट ड्रीम वाज टू बी परफॉर्म्ड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मिडसमर नाइट ड्रीम है वाज टू बी परफॉर्म्ड, इसको परफॉर्म किया जाना था
ऑन द नाइट ऑफ मिड समर डे जून 24 को। कब परफॉर्म किया जाना था? जून 24 को मिड समर डे में इसको परफॉर्म किया जाना था। इट इज ये क्या था, सेंट जॉन्स डे, सेंट जॉन का दिन था, दिवस था, उस दिन इसको परफॉर्म किया जाना था। अगला, द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम थीसिस एंड हिप्पोलिटा। मतलब क्या हुआ कि किस पेयर का विवाह अ मिडसमर नाइट ड्रीम की कहानी का आधार बनता है, तो थीसिस और हिप्पोलिटा की कहानी जो है मिडसमर नाइट ड्रीम की स्टोरी का आधार बनता है। अगला, नेक्स्ट हमारा, हु इज द किंग ऑफ फेरीज इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में किंग ऑफ फेरीज कौन दिखाया जाता है, तो ओबेरॉन दिखाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, मस्टर्ड सीड इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज, वो मस्टर्ड सीड कौन होती है मिडसमर नाइट ड्रीम में, तो वो भी एक फेरी दिखाई जाती है। ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी एंगेज टू यंग हु सेज, ये कौन कहता है, हर्मिया कहती है। कौन कहता है, हर्मिया कहती है। क्या कहती है कि ओ स्पाइट, इतनी उम्र हो गई कि कम उम्र में ही सगाई कर लेनी चाहिए, डैट मीन्स हर्मिया। ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आइज, ओ हेल दूसरे की आंखों से प्यार चुनना, यानी कि टू चूज का मतलब चुनना, लव प्यार बाय अनदर्स आइज, हु सेज, ये भी बात कौन कहता है, हर्मिया कहती है। और नेक्स्ट है हमारा, आई सेल पुट अ ग्रिडल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स, मतलब मैं 40 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक घेरा बांध दूंगा, ये कौन कहता है, पक कहता है, पक, रॉबिन गुड फेलो पक। और अगला पॉइंट, व्हाट इज लव इन आइडलनेस, तो ये तो बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लव इन आइडलनेस क्या है, ये किसको नाम दिया गया था, तो अ नेम गिवन टू अ फ्लावर, ये एक फूल को नाम दिया गया था, लव इन आइडलनेस, और किस में दिया गया था, मिडसमर नाइट ड्रीम में। अगला लाइन देखो कौन सा है हमारा, द वन आई सेल स्ले द अनदर स्लेथ मी, दिस इज फ्रॉम डेमेटेरियस, व्हाट डू द वर्ड्स वन एंड अदर स्टैंड फॉर लाइसेंडर एंड हर्मिया। वो कहता है एक को मैं मारूंगा, देयर वन आई सेल स्ले, स्ले का मतलब मारना, एंड अदर स्लेथ मी, दूसरा मुझे मारेगा, एक को मैं मारूंगा, दूसरा मुझे मारेगा। ए डेमोटेरियस का है, एक और अन्य शब्द किसके लिए है, एक तो डेमोटेरियस के लिए यूज किया गया, एक को मैं मारूंगा, और दूसरा जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया, वो लेसेंडर और हर्मिया के लिए यूज किया गया, ध्यान बनाए रखना। अगला पॉइंट क्या है, एंड आई एम सिक भेन, आई लुक नॉट ऑन यू हु स्पीक एंड टू होम, आई एम सिक, वो क्या कहती है कि आई एम सिक, सिक का मतलब होता है बीमार हो जाना, और जब मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मुझे उल्टी सी महसूस होती है, मैं बीमार सी हो जाती हूँ। कब बीमार हो जाती हूँ, बेन आई लुक नॉट ऑन यू, जब मैं तुमको नहीं देखती हूँ, ये कौन कहता है, हु स्पीक एंड टू होम, हेलना कहती है, किससे कहती है, डेमेटेरियस से कहती है, कौन, हेलना, किससे, डेमेटेरियस से, किस में, मिडसमर नाइट ड्रीम में। अगला देखो कौन सा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है प्यारा सा, कि इट इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, मतलब जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो रात नहीं होती, इसलिए मुझे लगता है मैं रात में नहीं हूँ, यानी कि तुम्हारा चेहरा देखते ही देखते पता नहीं कब रात गुजर जाती है, कब दिन गुजर जाता है, ऐसा पता ही नहीं चलता। तो इट इज़ नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ तो वो रात नहीं होती, देयर फोर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, इसलिए मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं रात में नहीं हूँ। तो ऐसे प्यार भरे लम्हे, प्यार भरी बातें कौन कर रही हैं, हेलना कह रही हैं। अगला देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ओ व्हाट एम दाउ आर्ट चेंज्ड, व्हाट डू आई सी ऑन दी, ओ व्हाट एम, तुम बदल गए हो, दाउ आर्ट चेंज्ड का मतलब तुम बदल गए, यहाँ पे दाउ का मतलब होता है यू, तुम बदल गए हो, तुम्हारी कला बदल गई है। व्हाट डू आई सी ऑन दी, यानी कि मैं तुम पर क्या देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बदला बदला देख रहा हूँ, कौन कहता है, ए स्नाउट कहता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इतने ही हैं आज, हैं और भी हैं, नहीं है, ठीक है, इतने ही हैं आज के लिए, इतना ही दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत।